तुम्हारे भीतर जो प्रज्ञा जागी है वो पुष्ट होती जाए, वो बलवान होती जाए। लेकिन धर्म कैसे पुष्ट होता है, प्रज्ञा कैसे पुष्ट होती है, केवल मात्र चाहने से नहीं होता है। चाहते तो सभी हैं, हर समझदार आदमी, हर समझदार साधक साधिका ये चाहता है कि मेरा धर्म पुष्ट हो जाए, मेरी प्रज्ञा पुष्ट हो जाए, मैं प्रज्ञा में स्थित हो जाऊं, स्थित प्रज्ञ हो जाऊं। लेकिन केवल चाहने से तो दो वक्त का भोजन भी नहीं मिलता। दो वक्त के भोजन के लिए भी मेहनत करनी होती है, परिश्रम करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। और धर्म में पक जाए, प्रज्ञा में पक जाए और चाहे कि केवल कामना करने से ही पक जाए तो धोखे की बात हुई भाई। मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है। देखता हूं अनेक साधक साधिकाएं किसी शिविर में शामिल होती हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, धर्म रस की एक बूंद भी चख ले तो प्रसन्नता आएगी ही। धर्म चखा है ना, 10 दिन के लिए बुद्धि विलास करने नहीं आते, पानी विलास करने नहीं आते, छुट्टियां मनाने नहीं आते, पिकनिक करने नहीं आते, तपने आते हैं। तो कम या अधिक हर व्यक्ति जो 10 दिन के शिविर में आता है वो कम या अधिक मेहनत करता ही है, और मेहनत करता है तो धर्म का रस चखता है। जो रस चखेगा उसे बड़ी प्रसन्नता होगी, उसके मन में बड़ा मोद जागेगा। लेकिन 10 दिन शिविर कर लेने के बाद फिर उसे भुला दे, घर आकर सुबह शाम जो पुरुषार्थ करना है वो करना बंद कर दे, तो धर्म कैसे पुष्ट होगा, प्रज्ञा कैसे पुष्ट होगी। कुछ दिनों के बाद कोई साधक मिलता है, कोई साधिका मिलती है, तो मेरे पास तो एक ही प्रश्न होता है, पूछता हूँ क्यों भाई साधना हो रही है, क्यों बेटी साधना चल रही है। तो उनमें से अनेक मुंह लटका के जवाब देते हैं, नहीं कुछ दिन तो चले फिर छूट गई, कुछ दिन तो चले फिर छूट गई। झूठ बोलते हैं, छूट नहीं गई, छोड़ दिया। कुछ दिन तो किया फिर छोड़ दिया, सच्चाई ये है छोड़ दिया, छूटी नहीं, अपने आप नहीं छूटती, हम छोड़ देते हैं तो छूटती है। जब शिविर में आते हैं तो समझाते हैं कि भाई ये जो दिन में 3 बार 1-1 घंटे का अधिष्ठान लेकर बैठते हो कितना कठिन मालूम होता है,
पहले दिन का अधिष्ठान, विपश्यना देते ही पहला पहला अधिष्ठान कितनी पीड़ा पैदा करता है। एक घंटे निकालना बड़ा कठिन होता है, सबका अनुभव है, पर फिर भी मन को मजबूत करता है, बैठना ही है मुझे घंटे भर। और मान लो नहीं बैठ पाया, पांव खुल गया तो अच्छा, एक बार खुल गया, दो बार खुल गया, अगली बैठक में नहीं खुलने दूंगा, फिर प्रयत्न करता है, फिर कठिनाई आती है, अगली बैठक में फिर प्रयत्न करता है, फिर कठिनाई आती है। यूं करते करते आठवें नौवें दिन तक पहुंचते पहुंचते तो घंटे भर बैठने लगता है ना। पहले ही दिन कह दे कि बहुत कठिन काम है, हमसे नहीं होता, हम तो नहीं करेंगे, तो ऐसा व्यक्ति कभी घंटे भर अधिष्ठान में बैठ ही नहीं पाएगा, जीवन भर नहीं बैठ पाएगा। तो जब शिविर में आते हैं तो दसवें दिन समझाते हैं ना कि एक वर्ष का अधिष्ठान देना पड़ेगा, बड़ी कठिनाई आएंगे, एक वर्ष का व्रत है मेरा, चाहे जो कुछ हो जाए, दुनियादारी के क्षेत्र में चाहे जितना नुकसान हो जाए, और नुकसान होता नहीं, कभी होता नहीं, केवल मन को दृढ़ करने की बात है। जैसे नया नया साधक विपश्यना की शाम को पालथी मार कर बैठता है और कहता है चाहे मेरा पांव टूट ही क्यों न जाए, मैं नहीं बदलता, टूटता नहीं ना, आज तक किसी का टूटा नहीं ना, टूट जाए तो हम बैठाएं नहीं ना, किसी का पांव तोड़ने के लिए थोड़ी भी प्रश्न सिखाते हैं, जानते हैं नहीं टूटता। इसीलिए कहती हैं साल भर का अधिष्ठान और मन में ये दृढ़ संकल्प कि चाहे जितनी हानि हो जाए हमारी दुनियादारी के क्षेत्र में, चाहे जितनी हानि हो जाए, हम नहीं अपना अधिष्ठान तोड़ेंगे, बैठेंगे ही। तो जैसे पांव टूटता नहीं, केवल मन के संकल्प करने की बात है, ऐसे ही दुनियादारी में हानि होती नहीं। धर्म जब हम धारण करते हैं तो केवल परलोक के लिए नहीं करते, जो धर्म हमें केवल ये वायदा करता है कि मरने के बाद तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा, इस जीवन में तो कुछ नहीं मिलेगा पर मरने के बाद मिल जाएगा, तो समझ लेना चाहिए धर्म वर्म नहीं है, धोखा। सचमुच धर्म होगा तो लोक पहले सुधरेगा, परलोक बाद में सुधरेगा। लोक सुधारने के लिए धर्म, यही जीवन हमारा सुधर रहा है कि नहीं, इसी जीवन में सुख शांति आ रही है कि नहीं, हमारा लोकीय क्षेत्र अच्छा हो रहा है कि नहीं, इस मापदंड से धर्म मापा जाता है। जिसका लोक सुधरने लगा उसका परलोक अपने आप सुधर जाएगा। धर्म भी पालन करे और लोक भी बिगड़े, ऐसा होता नहीं, कभी होता नहीं। तो बस मन को दृढ़ करने की बात है कि चाहे जो कुछ हो जाए, ये वर्ष भर का अधिष्ठान मुझे वर्ष भर सुबह शाम साधना करनी ही है। और अनेकों का अनुभव हमारे सामने है, जिस व्यक्ति ने इस प्रकार अधिष्ठान लेकर के वर्ष भर घर में अभ्यास कायम रखा, वो नहीं कहता कि छूट गया, क्योंकि वो छोड़ता नहीं, फिर छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। और जिसने छोड़ा उसने ये 12 महीने के भीतर ही छोड़ दिया, 10 दिन में छोड़ दिया, 20 दिन में छोड़ दिया, महीने में छोड़ दिया, 2 महीने में छोड़ दिया, छोड़ ही दिया। तो भाई ये अधिष्ठान जो वर्ष भर का लेते हो, ऐसा अधिष्ठान लेकर किसी पर एहसान तो नहीं कर रहे ना,
न अपने मार्गदर्शक पर एहसान करते हैं, न किसी भगवान बुद्ध पर एहसान करते हैं, न किसी अन्य देवी पर, देवता पर, ईश्वर पर, ब्रह्म पर, अल्लाह मियाँ पर एहसान करते हैं कि देखो हम अधिष्ठान पूरा कर रहे हैं। भाई एहसान अपने आप पर करते हैं ना, अपने भले के लिए करना है ना। हर समझदार आदमी को समझना चाहिए कि जब मैं धर्म धारण करता हूँ तो लोक मंगल होगा सो होगा ही, मेरा मंगल तो होने ही लगा, तत्काल होने लगा। लोक कल्याण होगा सो तो होगा ही, पर मेरा कल्याण तो होने लगा, तत्काल होने लगा। आत्म मंगल होने लगा तो सर्व मंगल होने ही लगेगा, आत्मोदय होने लगा तो सर्वोदय होने ही लगेगा। तो किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए। मन को दृढ़ करना है। ये जो 10 दिन के शिविर में जाते हैं वो तो केवल ये सीखने के लिए कि हम सुबह शाम घर जाकर के कैसे साधना करेंगे, फिर अपने जीवन में, लोक व्यवहार में इस साधना को कैसे उतारेंगे, बस उतना सीखने के लिए। उतना ही सीख के रह जाए और आगे नहीं काम करे तो कैसे लाभ हुआ। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते पिलाते आप देखती है इस लायक हो गया कि इसको खाना खिलाना चाहिए, भोजन खाना सिखाती है, उसे सिखाती है। थोड़े से दिनों में भोजन खाना सीख गया वो। अब कहे बस सीख गया ना, अब सुबह शाम भोजन खाने की क्या जरूरत है, सीख गया ना। यही बावलापन, सीख गया ना। 10 दिन जाकर के अपने सांस को देखना सीख गया ना, अपने शरीर की संवेदना को देखना सीख गया ना, उसके प्रति समता रखनी सीख गया ना। अब रोज रोज का क्या करना, सीख गया ना। अरे भाई ये जो रोज रोज का करना है यही पुष्ट करेगा हमें, यही प्रज्ञा को पुष्ट करेगा, यही धर्म को पुष्ट करेगा। जीवन में जो मंगल उतरने वाला है, जीवन में जो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, वो तो रोज रोज के अभ्यास करने से होने वाला है। कोई आदमी शरीर से बड़ा दुर्बल हो और उसे समझाया जाए कि तो शरीर की कोई कसरत कर, कोई व्यायाम कर, कोई आसन इत्यादि करने सीख, और उसे 10 दिन तक मेहनत करके कोई कसरत करनी सिखा दे, व्यायाम करनी सिखा दे, आसन करने सिखा दे, और वो कहे अब जान गया ना, अब रोज रोज क्या करना है, जान गया ना, तो क्या लाभ होगा उसे, नहीं लाभ होता ना। ठीक इसी प्रकार 10 दिन तो कैसे रोज रोज का अभ्यास करेंगे, कैसे इसको जीवन में उतारेंगे, इसलिए सीखने जाते हैं। काम तो रोज ही करना होगा। दस दिन भोजन करके कोई कहे अब क्या खाना है, 10 दिन खा लिया ना, रोज रोज काहे खाएं। पानी पी करके कोई पानी पी लिया ना, 10 दिन तक पानी खूब पिया, अब रोज रोज क्या पानी पीना है। थोड़े से सांस लेने के बाद कहे सांस ले लिया ना, अब रोज रोज क्या लेना है, बार बार क्या लेना है। तो ना समझ आदमी है ना, उसे बात समझ में आई नहीं। जो जीवन का अंग बन जाए वही धर्म है, नहीं तो धर्म के नाम पर न जाने कितने कर्म कांड चलते हैं।
धर्म के नाम पर न जाने कितनी दार्शनिक मान्यताएं चलती हैं, धर्म के नाम पर न जाने कितने सांप्रदायिक जंजाल चलते हैं। विपश्यना भी ऐसा एक कर्मकांड हो गया, विपश्यना भी ऐसा एक सांप्रदायिक जंजाल हो गया। हम विपश्यी हैं। अच्छा, अब ये गुरु पूर्णिमा आने वाली है, कल गुरु पूर्णिमा है, आज हम सब इकट्ठे होकर के एक साथ साधना कर लेंगे और कल भूल जाएंगे, तो कर्मकांड हुआ ना। इस एक दिन की, एक घंटे की या दो घंटे की साधना से क्या हुआ भाई? जरूरी है, ये आवश्यक है, पर ये इसलिए आवश्यक है कि अब रोज रोज काम करने की हमारे भीतर प्रेरणा जागे और सचमुच रोज रोज काम करने लगे। तो संकेत ये छूट क्यों जाता है, या सच्चाई ये कि छोड़ क्यों देते हैं? बचपन से मन का एक स्वभाव बना लिया, और भाई इसी बचपन से नहीं, न जाने कितने जन्मों से एक स्वभाव बना लिया। वो स्वभाव जो बांधे ही जाता है, बांधे ही जाता है, वो स्वभाव जो मैला ही करता है, मैला ही करता है। उस स्वभाव को पलटना है। तो अपने मानस के और मानस की गहराइयों तक जो अंतर मन है, उसके अंध स्वभाव को पलटने में बड़ी मेहनत होती है। उसकी जो आदत पड़ गई, उसके अनुसार उसे चलने दें तो बड़ी आसानी से बहता चला जाएगा। जैसा पानी ढलान की ओर बहता है, बड़ी आसानी से बह जाता है। उसको जरा भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बल नहीं लगाना पड़ता, ढलान की ओर बह ही जाता है। ऐसे ही मानस अपने पुराने स्वभाव के अनुसार उसे काम करने दें, बिगड़े हुए स्वभाव के अनुसार काम करने दें, तो वो बहता ही जाएगा, बड़ी आसानी से पतन की ओर बहता ही चला जाएगा, नीचे की ओर बहता ही चला जाएगा। नीचे की ओर बहने वाले पानी को हमें ऊपर की ओर चढ़ाना हो तो कितना हॉर्स पावर का पंप लगाना पड़े ना, इतने घोड़े का बल लगे तो नीचे बहने वाला पानी ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो तो कठिनाई हुई ना, मेहनत करनी पड़ी, पराक्रम करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार अनेक जन्मों से पतन की ओर बहने वाले मानस का स्वभाव, इसे पलट करके उत्थान की ओर ले जाने वाला स्वभाव बनाए तो मेहनत तो करनी ही होगी, और मेहनत करना नहीं चाहे, किसी की कृपा हो जाए, किसी गुरु महाराज की कृपा हो जाए, किसी देवी की कृपा हो जाए, देवता की कृपा हो जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, अल्लाह मियाँ की कृपा हो जाए, बस किसी की हम पर कृपा हो जाए, हम पर तो हो ही जाए। अरे क्यों भाई, तुझ पर ही क्यों हो जाए रे? ये कृपा करने वाला सब पर कृपा क्यों नहीं करता? अरे जरा सी तो अपनी बुद्धि लगा कर देखें, कृपा करने वाले के पास कृपा की क्या कमी? वो कृपा में कंजूसी क्यों करे? खूब कृपा करे, खूब कृपा करे तो ये संसार के सारे प्राणी सुखियारे हो जाए ना, सबका मन निर्मल हो जाए ना। अगर उसकी कृपा से ही हमारा मन निर्मल हो सकता है तो सबका हो सकता है, नहीं होता ना। तो सच्ची सच्ची बात समझ लेनी चाहिए, किसी की कृपा से हमारा मन निर्मल होने वाला नहीं, हमारी मेहनत से हमारा मन निर्मल होगा। मंगल कामना भी कोई करेगा
कोई सम्यक देव हमारे लिए मंगल कामना करेगा, कोई सम्यक ब्रह्म हमारे लिए मंगल कामना करेगा, कोई संत हमारे लिए मंगल कामना करेगा, कोई सदगुरु हमारे लिए मंगल कामना करेगा, वो भी हमारे लिए फलवती नहीं होगी। करेगा तो भी फलवती नहीं होगी। फलवती तभी होगी जबकि हम कदम कदम चलना शुरू कर दें। हम एक कदम चलकर देखें तो मंगल कामना करने वाले की मंगल कामना 10 कदम हमारी ओर चली आए खींच करके। हम एक कदम चलें तो 10 कदम वो खींची हुई चली आई। हम 10 कदम चलें तो वो 100 कदम खींची हुई चली आई। अपने आप हमारी ओर बढ़ती चली आएगी। हम एक कदम उठाए नहीं और चाहें कि किसी की मंगल कामना से सब हो जाएगा तो भाई इससे बढ़कर दुनिया में कोई धोखा होता नहीं। अनुकंपा करने वाला खूब अनुकंपा करता है, दया करने वाला खूब दया करता है, करुणा करने वाला खूब करुणा करता है, मैत्री का अमृत रस बांटता है। हमने अपने हाथ ऐसे जोड़े नहीं, अलग रखा तो सारा रस बीच भी नीचे ही बह गया ना। हम इतना तो करें कि उसको संभालें स्वीकारें, इतना भी नहीं करना चाहें, खुद कुछ नहीं करना चाहें, सब कुछ कोई और ही कर दे हमारे लिए तो भाई ऐसा होता नहीं। आज तक किसी का हुआ नहीं। ये कथा कहानियों की बात, पंडे पुजारियों की बात, पंडे पुजारियों तक ही रहने दे, होता नहीं। आज तक किसी का हुआ नहीं, आज भी ऐसा हो नहीं रहा, भविष्य में भी ऐसा होने वाला नहीं। जिसने परिश्रम करना शुरू कर दिया, जिसने धर्म के रास्ते कदम उठाना शुरू कर दिया, अब उसके लिए ये सारी की सारी मंगल कामनाएं लाभ उसे पहुंचाने लगेगी। कदम उठाना पड़ेगा। और ये कदम उठाने के लिए ही कहते हैं कि केवल 10 दिन का शिविर करके न रह जाएं। 10 दिन का शिविर करता है तो जैसे भाग्य उदय हो गया, कोई बड़ा पुण्य उदय हो गया। अब सही तरीके से सही रास्ते पर हम कैसे चलें, इतनी जानकारी हो गई, ये भी बड़ी बात होती है। नहीं तो आदमी सारा जीवन बड़ी मेहनत करता है, बड़ा पुरुषार्थ करता है, बड़ा पराक्रम करता है और समझता है कि मैं धर्म के रास्ते आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ता नहीं एक कदम भी। किसी तेली के बैल को देखा, तेली को तो अपना मतलब साधना है, बांध दी आंख पर पट्टी और कहा चल, खूब चलता है और इसी नशे में चलता है कि न जाने कितनी मीलें पार कर ली मैंने, न जाने कितनी मीलें पार कर ली मैंने। और जब वो तेली उसकी पट्टी खोलता है तो देखता है वहां का वहां और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि गलत तरीके से चल रहा था। यूं तेली के बैल की तरह सारे जीवन प्रयत्न करते रहें, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो 10 दिन के शिविर में आकर के लाभ ये होता है कि आंख की पट्टी उतर जाती है, रास्ता साफ मालूम होता है। आगे बढ़ना है तो इस कदर एक एक कदम चलते हुए लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं होती, बड़े कल्याण की बात होती है। लेकिन फिर भी रास्ता मालूम हो गया तो भी, इस रास्ते पर कैसे चलना है तो भी, जो सचमुच मंगल आएगा वो तो चलने से ही आएगा ना। एक एक कदम चलते चले जाएंगे, जितने कदम उठा लेंगे उतना उतना मंगल सस्ता चला जाएगा, उतना उतना धर्म पुष्ट होता जाएगा, उतनी उतनी प्रज्ञा पुष्ट होती जाएगी। कठिन है, इसीलिए अधिष्ठान कराते हैं ना। विपश्यना में काम शुरू करते ही घंटे भर का अधिष्ठान कराते हैं तो खूब समझते हैं कठिन है भाई,
एक घंटे बिना पांव बदले हुए, बिना आंख खोले हुए, बिना हाथ खोले हुए एक घंटे बैठे रहना सामान्य व्यक्ति के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए, औसत व्यक्ति के लिए कठिन काम है, करना पड़ता है। वो न करें तो मनोबल नहीं आता, धर्म में आगे बढ़ नहीं सकते। इसी तरह ये जो एक वर्ष का अधिष्ठान लेने को कहते हैं, खूब समझते हैं कठिन है। पतन की ओर बहने का जो स्वभाव मन का हो गया, उस स्वभाव को पलटकर उत्थान की ओर ले जाने वाला बनाए, कठिन काम है। पर कठिन काम भी तो करना ही होगा ना, किए बिना कैसे होगा। कठिन है तो और करना होगा, आसान हो तो कम करने पर ही काम चल जाए, कठिन हो तो बड़े परिश्रम के साथ करना पड़े। तो समझे ये स्वभाव क्या है जिसे पलटना है। हम सुबह शाम बैठे क्या करेंगे, कैसे स्वभाव पलटेगा। शिविरों में यही समझाते हैं, लेकिन फिर समझ लेना चाहिए एक बार। अनेक जन्मों की आदत है, उसको कोई नए भी स्वीकार करे तो नए स्वीकार करे, है तो अनेक जन्मों की आदत निश्चित रूप से। लेकिन कोई कहे मैं अनेक जन्म नहीं मानता, अच्छा मत मान भाई, इस जन्म की तो आदत है। बचपन से ही आंख खुली और बाहर देखा, जब से बहिर्मुखी हुआ तो बहिर्मुखी बहिर्मुखी बहिर्मुखी, तो मन ने एक ही काम करना शुरू किया, आंख से क्या दिख गया रे, अच्छा है कि बुरा है, प्रिय है कि अप्रिय है। प्रिय है तो राग जगाओ, अप्रिय है तो द्वेष जगाओ। कान में क्या सुन गया रे, अच्छा है बुरा है, प्रिय है अप्रिय है। प्रिय है तो राग जगाओ, अप्रिय है तो द्वेष जगाओ। नाक से क्या सूंघा गया रे, प्रिय है अप्रिय है, सुखद है दुखद है। प्रिय है तो राग जगाओ, अप्रिय है तो द्वेष जगाओ। जीभ से क्या चखा गया रे, प्रिय है अप्रिय है, सुखद है दुखद है। प्रिय हो तो राग जगाओ, अप्रिय हो तो द्वेष जगाओ। शरीर से क्या छुया गया रे, प्रिय है अप्रिय है, सुखद है दुखद है। प्रिय है तो राग जगाओ, अप्रिय है तो द्वेष जगाओ। ये 5 दरवाजे हैं शरीर पर, ये 5 दरवाजे हैं जिससे हमारा सारी दुनिया से संपर्क होता है। जिस समय इन 5 दरवाजों से संपर्क नहीं हुआ, उस समय छोटा दरवाजा खुल गया, मन का दरवाजा खुल गया। आंख से कभी कुछ देखा था, अब मन ने उसका चिंतन करना शुरू किया, ऐसा देखा था ऐसा देखा था। कान से कभी कुछ सुना था, मन ने उसका चिंतन करना शुरू किया, ऐसा सुना था ऐसा सुना था। नाक से कभी कुछ सूंघा था, जीभ से कभी कुछ चखा था, शरीर से कभी कुछ स्पर्श किया था, और मन लगा उसका चिंतन करने, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। और या ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ऐसा न हो तो अच्छा है, ऐसा हो जाए तो अच्छा, ऐसा न हो तो अच्छा है। इन 6 दरवाजों को छोड़ करके हमारे पास 7वां दरवाजा नहीं। दुनिया की सारी बातें जैसी भी है, दुनिया अच्छी बुरी सुखद दुखद जैसी भी है, वो हमारे लिए उसका अस्तित्व तभी है जबकि इन 6 दरवाजों में से किसी दरवाजे पर उसका संपर्क होता है। और मन ने तो आदत बना ली, आंख पर संपर्क होगा तो, कान पर होगा तो, नाक पर होगा तो, जीभ पर होगा तो, त्वचा पर होगा तो, और मन ही पर होगा तो, उसने आदत बना ली। उसका मूल्यांकन करेगा, अच्छा है बुरा है, उसे प्रिय मानेगा उसे अप्रिय मानेगा, और प्रतिक्रिया करेगा, राग की प्रतिक्रिया करेगा माने लोभ की प्रतिक्रिया करेगा। अच्छा लगे तो कैसे उसे समेट लूं, कैसे उसे समेटे रखूं, कैसे ये नष्ट नहीं हो जाए इसका प्रयत्न करूं। बुरा लगे तो कैसे इसे दूर धकेलूं, कैसे इसे नष्ट कर दूं। यही इसका स्वभाव, अंधा स्वभाव हो गया। और जब तक ये अंधा स्वभाव कायम है तब तक दुखी ही रहेगा, क्योंकि हर बार जब समेटने का काम करता है तो मन में तनाव पैदा करता है, क्षमता खो देता है, संतुलन खो देता है। हर बार जब धकेलने का काम करता है
तो तनाव पैदा करता है, क्षमता खो देता है, संतुलन खो देता है। और जब जब क्षमता खोता है, जब जब मन का संतुलन खोता है, दुखियारा हो जाता है। दुखियारा हो रहा है फिर भी वही काम किए जा रहा है, फिर भी वैसे ही समेटने का काम, धकेलने का काम, समेटने का काम, धकेलने का काम, लोभ का काम, द्वेष का काम, राग का काम, द्वेष का काम ही किए जा रहा है और व्याकुल हुए जा रहा है। इस चक्र के बाहर कैसे निकले? जितनी बार इस प्रकार राग या द्वेष करके व्याकुल होता है, उतनी बार अपने मानस के इस स्वभाव को, राग और द्वेष की प्रतिक्रिया करने वाले स्वभाव को और पुष्ट करता है, व्याकुल होता है। लेकिन व्याकुलता से निकलने का कोई काम नहीं करता, व्याकुलता को और पुष्ट करने का काम करता है। फिर राग जगाता है, फिर द्वेष जगाता है, फिर राग जगाता है, फिर द्वेष जगाता है, फिर व्याकुल होता है। तो कैसे निकले बाहर, यही तो सीखते हैं ना 10 दिन, कैसे निकले बाहर। हमारे चेतन चित्त में, आज की पश्चिमी भाषा में कॉन्शियस माइंड कहें, हमारे अचेतन चित्त में, आज की पश्चिमी भाषा में अनकॉन्शियस माइंड कहें, दोनों के बीच में बहुत मोटी दीवार है। और इस तरह के प्रवचन सुन करके, धर्म की चर्चा सुन करके, धर्म की पुस्तकें पढ़ करके, हम अपने चेतन चित्त को सुधारने का काम करते हैं, अपनी बुद्धि को सुधारने का काम करते हैं। बुद्धि से आदमी समझने लगता है, बार 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 धर्म के प्रवचन सुनते सुनते बुद्धि से समझने लगता है, मुझे राग की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, मुझे द्वेष की प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, मुझे विकार नहीं पैदा करना चाहिए, नहीं तो मेरा ही अहित, मेरा ही अमंगल, मेरी हानि होगी, ऐसा खूब समझता है। तो बुद्धि में सुधार होने लगा, अच्छी बात, कुछ तो सुधार हुआ। पर भाई, इस बुद्धि का सारे मानस से, सारे मानस के मुकाबले इस बेचारी बुद्धि का कितना हिस्सा, जरा सी ऊपरी ऊपरी परत है बस, बाकी सारा का सारा अंधा मन, वो कोई बुद्धि की बात सुनने को तैयार नहीं। बुद्धि के स्तर पर हजार समझता है साधक, मुझे राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वासना नहीं जगानी चाहिए, भय नहीं जगाना चाहिए, अहंकार नहीं जगाना चाहिए, खूब समझता है। पर जिसे अचेतन चित्त कहते हैं, वो तो ठीक उसी प्रकार अपनी आदत के अनुसार राग जगाता है, द्वेष जगाता है, अहंकार जगाता है, भय जगाता है, वासना जगाता है, वो बुद्धि की बात जरा सुनने को तैयार नहीं। तो ये जो हम बुद्धि को सिखावन देते हैं, बुद्धि को सुधारने का काम करते हैं, अच्छा तो है लेकिन एकदम अच्छा नहीं है। समुद्र के ऊपर तरंगे ही तरंगे, तरंगे ही तरंगे, हम थपकी दे देकर एक एक तरंग को शांत करने की कोशिश करते हैं, एक एक तरंग शांत हो जाए, शांत हो जाए, ये समुद्र शांत हो जाए। अरे ये विशाल अगाध समुद्र भीतर तक कितना डोल रहा है, कितना व्याकुल है, इसका भीतर तक जो डोलना है वो जब तक नहीं रुकेगा, कि लहरें ऊपर ऊपर से रुकने वाली नहीं, जोर जबरदस्ती जरा सी रोक भी दी तो फिर उसी प्रकार काम शुरू हो जाएगा। छुटकारा तब होगा जब समुद्र को गहराइयों तक हमने शांत कर लिया, इसी प्रकार इस मानस को गहराइयों तक हमने समता में स्थापित कर लिया, तो ऊपर ऊपर की लहरों को दबाने की जरूरत नहीं रह गई, अपने आप शांत हो गया। ये कैसे हो, इसलिए भी प्रश्न करते हैं कि ये कैसे हो। पश्चिम की भाषा में जिसको अचेतन कहते हैं, और हमारे यहां भी कुछ ऋषियों ने, कुछ मुनियों ने, कुछ परंपरा ने कहा, अरे ये मन तो बड़ा जड़ है, इस माने में जड़ है,
कि अचेतन है, इसे होश ही नहीं। लेकिन वह स्वास्तविक बात यह नहीं है, ये बड़ा सजग है। जैसे मानस का ऊपरी ऊपरी हिस्सा बाहर के रूप, बाहर के रंग, बाहर की रोशनी, बाहर की आकृति, बाहर का शब्द, बाहर की गंध, बाहर का रस, बाहर का स्पर्श और बाहर का चिंतन, इन बातों का इसमें उलझा रहता है, ऐसे ही जिसको हम अचेतन कहते हैं प्रतिक्षण सचेत रहता है। जिसको चेतन कहते हैं वो तो जागृत अवस्था में ही सचेत रहता है। गहरी नींद में चले जाए तो आवाज नहीं सुनाई देती, कान से आंख से नहीं दिखता, नाक से गंध भी आए तो पता नहीं लगता, चेतन को कुछ नहीं पता लगता, वो नींद में सो गया। पर अचेतन रात दिन 24 घंटे सजग रहता है, सचेत रहता है। किस बात पे रहता है? शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के प्रति सजग रहता है। बहुत गहरी नींद में सोया है, कौन सोया है? ये कॉन्शियस माइंड सोया है, चेतन चित्त सोया है। अचेतन कभी नहीं सोता, एक क्षण भी नहीं सोता। गहरी नींद में कोई मच्छर काट जाए, मच्छर काटते ही संवेदना हुई तो जान लिया, जिसको अचेतन कहते हो बड़ा चेतन है, तुरंत जान लिया मच्छर काटा, अरे अप्रिय संवेदना हुई, मूल्यांकन कर लिया, नहीं अच्छा लगता, इसे दूर कर। तो नींद में भी हाथ उठता है, मच्छर को दूर करता है, और ये अच्छा नहीं लगता इसकी संवेदना तो खुजलाता है, और खुजलाकर उस संवेदना को दूर करता है। लेटा है, बड़े आराम से लेटा है, गहरी नींद में लेटा है, और लेटे लेटे शरीर की वजन से कहीं पीड़ा शुरू हो गई, कहीं भारी लगने लगा। चेतन चित्त को कुछ नहीं पता, पर अचेतन तो प्रतिक्षण शरीर की संवेदनाओं के साथ जुड़ा होता है, उसे पता लग गया भारी हुआ ना अप्रिय है, पीड़ा आई ना अप्रिय है, जल्दी पलट, जल्दी करवट ले, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो प्रतिक्रिया करता है, झट करवट लेता है। रात में कितनी बार करवट लेते हो? गहरी नींद में कितनी बार करवट लेते हो? खूब गहरी नींद में सोया है और सुबह सुबह अचानक मौसम बदल गया, ठंड लगने लगी, तो शरीर पर एक शीत प्रकंपन हुआ, चेतन को कुछ नहीं पता, अचेतन को पता लगा ये शीत प्रकंपन हुआ शरीर में, नहीं अच्छा लगा, तो कंबल उठाता है, ओढ़ लेता है। सुबह उठे कोई पूछे, तूने कंबल ओढ़ी? मैंने तो नहीं ओढ़ी, किसी ने उड़ा दी होगी, होश ही नहीं उसे, कौन करता है ये सारा काम? आप ये दर्शन शास्त्र वाले भरे और कुछ कहते रहे, पर सच्चाई ये कि हमारा अचेतन चित्त प्रतिक्षण सजग रहता है, लेकिन सजग रहता है शरीर की संवेदनाओं के प्रति। दिन में भी इसी प्रकार चेतन चित्त काम में लगा है, बोलने में लगा है, सुनने में लगा है, देखने में लगा है, अचेतन शरीर की संवेदनाओं में लगा है। बैठे बैठे ही शरीर में भारीपन आया, उसे नहीं अच्छा लगा, यूं पलट लिया, यूं पलट लिया, यहां खुजला लिया, वहां खुजला लिया। तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब से जन्मे हैं जब तक मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाएंगे, ये हमारा अचेतन मन प्रतिक्षण, उसका स्वभाव हो गया, प्रतिक्षण संवेदनाओं के साथ जुड़ा रहेगा। संवेदनाएं उसे प्रिय लगेंगी तो उनके प्रति राग पैदा करेगा, संवेदनाएं उसे अप्रिय लगेंगी तो उसके प्रति द्वेष पैदा करेगा। ये उसका अनेक जन्मों का स्वभाव, अनेक जन्म न माने तो इस जन्म से ही इसका ऐसा स्वभाव हो गया। वो सागर का गहरा हिस्सा है, वो नहीं सुधरेगा तो ऊपर ऊपर से बुद्धि के स्तर पर अपने आप को हजार सुधारते रहें, दरअसल सुधार हुआ नहीं। इसलिए शिविर में आकर के काम सांस से शुरू करते हैं, पर आगे बढ़ते हैं तो इन शरीर की संवेदनाओं पर आ जाते हैं कि शरीर की संवेदनाओं के सहारे अगर हमने समता का अभ्यास कर लिया तो वो समता का अभ्यास केवल बुद्धि वाला अभ्यास नहीं होगा, वो हमारे अंतर मन का अभ्यास होगा, वो हमारे अचेतन चित्त का अभ्यास होगा, उसका स्वभाव पलटेगा।
रोज रोज पलटना है ना भाई, वो आदत तो कब की बनी हुई है और वो तो बढ़ती जाएगी। हम चौबीसों घंटे तो मन को इसी तरह प्रतिक्रिया करने वाला बनाए रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी उसका स्वभाव पलटने की कोई कसरत नहीं करेंगे तो धर्म में कैसे पुष्ट होंगे, प्रज्ञा में कैसे पुष्ट होंगे? अधर्म में ही पुष्ट होते जाएंगे ना, दुष्प्रज्ञता में ही पुष्ट होते जाएंगे ना। तो इसलिए हर समझदार साधक को, साधिका को किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, अपने मंगल के लिए हमें निश्चित रूप से काम करना ही है, रोज रोज काम करना है। केवल 10 दिन के काम कर लेने से हमारा सचमुच कल्याण नहीं हुआ, कल्याण का रास्ता जरूर खुल गया, अब हमको आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया, पर कदम कदम इस रास्ते पर बढ़ना ही होगा। ये बात जिसके जितनी समझ में आ जाए और जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो उतना ही आगे बढ़ता चला जाए। पुरानी आदत बार बार पुराने स्वभाव की ओर खींचेगी, नया अभ्यास नया पराक्रम बार बार उस स्वभाव को तोड़ेगा। अच्छी आदत पुरानी आदत को तोड़ करके सजग रहने वाली आदत और समता में रहने वाली आदत को पुष्ट करेगा। ये रोज रोज का अभ्यास करना ही पड़ेगा ना, बिना अभ्यास किए कैसे होगा? हम जो कहते हैं कि जैसे ही करना शुरू कर दोगे तो मंगल मैत्री हमारी ओर खींची चली आएगी, चमत्कार की बात नहीं है, कुदरत का बंधा बधाया नियम है कि जैसे ही हम अपने चित्त में राग की तरंगे पैदा करने के बजाय, द्वेष की तरंगे पैदा करने के बजाय वीतरागता की तरंगे पैदा करने लगे, भले थोड़े थोड़े क्षण ही करने लगे, घंटे भर की बैठक में थोड़े से क्षण ऐसे आए कि जब हमने वीतरागता की तरंगे पैदा की, अंतर मन की गहराइयों तक हमने राग नहीं जगने दिया तो वीतरागता की तरंगे जागी, ऐसे ही अंतर मन की गहराइयों तक हमने द्वेष नहीं जगने दिया तो वीत द्वेषता की तरंगे जागी। तो जो जो क्षण हम वीतरागता की तरंगे जगाते हैं, जो जो क्षण हम वीत द्वेषता की तरंगे जगाते हैं, सारे विश्व में जहाँ भी कोई संत है, जहाँ भी कोई सदगुरु है, जहाँ भी कोई सम्यक देव है कि सम्यक ब्रह्म है कि जो वीतरागता की तरंगे जमाने का काम कर रहा है, उसकी उन तरंगों के साथ हम समरस ले जा रहे हैं ना, क्यों ना हो रहे हैं ना, उसके समीप आ रहे हैं, अपने आप कुदरत काम करने लगती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, हमें तो अपनी ओर से वीतरागता की तरंगे कैसे जगाए, राग वाली तरंगे कैसे बंद करें, वीत द्वेषता की तरंगे कैसे जगाएं, द्वेष वाली तरंगे कैसे बंद करें, बस घंटे भर यही करना है। नहीं होता, हम भी जानते हैं कठिनाई होती है, बैठते ही वो बात याद आई, उसने ऐसा कह दिया रे, उसने ऐसा कर दिया रे, ये बहू देखो कैसी गई गुजरी रे, ये सास देखो कैसी गई गुजरी रे, ये हमारा बेटा देखो कितना गड़बड़ करने वाला, ये हमारा बाप देखो कैसा बूढ़ा खुसर बार बार गड़बड़ करता है, यही सारी बातें जो जो बातें दिन भर उपद्रव की रही, जिन उपद्रवों को लेकर के हमने दिन भर राग द्वेष राग द्वेष राग द्वेष जगाया, ध्यान में बैठे तो वही जागा। तू जागी, घबराओ क्यों उससे, जागने दो उसे, मत दबाओ। जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया है वो फूट करके बाहर आना ही चाहिए, वो भी जाग रहा है और साथ साथ हम सांस को भी जान रहे हैं, बहुत अच्छा हो, उसके साथ साथ हम संवेदना को भी जान रहे हैं। तो उदीर्णा होती जाएगी, निर्जरा होती जाएगी, क्षय होता जाएगा, उदीर्णा होती जाएगी, निर्जरा होती जाएगी, क्षय होता जाएगा। तो जो नया नया मैल हमने चढ़ा लिया वो तो उतरा, रोज रोज का मैल अगर उतार ले तो ही बहुत बड़ी बात हो गई, और रोज रोज का मैल उतारने की आदत हो गई तो देखेंगे कि रोज रोज की बैठक में जरा भीतर का मैल भी उतरने लगा। भीतर का मैल तब उतरता है जब पहले ऊपर का तो उतर जाए, ऊपर का ही नहीं उतारते। कोई कोई साधक आता है, कोई कोई साधिका आती है, अपनी कठिनाई पैदा को उपस्थित करते हुए कहते हैं कि क्या करें, आखिर तो उसी जंजाल में रहना है हमको, सारे दिन भर यही तो काम करना है, राग जगाना है, द्वेष जगाना है, क्रोध जगाना है, भय जगाना है, तो क्या होगा?
थोड़ी देर सुबह शाम कर लेंगे तो भी क्या होगा। अजीब तर्क है, कोयले की खान में काम करने वाला आदमी कहे कि मैं नहाकर क्या करूं, फिर तो कोयले की खान में जाना है, फिर उसी तरह काला हो जाना है, मैला हो जाना है, मैं नहाकर क्या करूं। अरे तुझे तो ज्यादा नहाना है भाई, तो कोयले की खान में जाने वाला है ना, रोज जाता है ना। अरे तो रोज रोज राग द्वेष जगाने वाले को तो रोज रोज इस धर्म के साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। जितना नया चढ़ाया वो तो साफ कर ले, नया चढ़ाया वो साफ कर लेंगे तो पुराना भी थोड़ा थोड़ा निकलने लगेगा, साफ होने लगेगा। ये तो चढ़ेगा ही, ये तो हमारी आदत हो गई, ऐसा होगा ही। तो भाई घुटने टेक दिए तो दुख रहेगा ही, तो छुटकारा होने वाला नहीं, तो रोगी रहेंगे ही, हम कभी निरोगी होने वाले नहीं, तो बंधन रहेंगे ही, हम कभी मुक्त होने वाले नहीं। परिश्रम करना पड़ेगा, समझदारी के साथ परिश्रम करना पड़ेगा। जब जब देखो कि इस तरह की कठिनाई आने लगी, बैठे हैं ध्यान में और थोड़ी देर के लिए भी मन यूं लगता है, थोड़ी देर के लिए भी मन संवेदना में नहीं लग रहा, तो इसीलिए साधना के दो हिस्से सिखाए, एक सांस की साधना, एक संवेदना की साधना। संवेदना को जानते हुए अगर हमने समता का अभ्यास किया तो अंतर मन की गहराइयों तक हमने सुधारने का काम कर लिया। नहीं जान पाए संवेदना, मानस हमारा इतना उथल पुथल कर रहा है कि हम संवेदना को नहीं जान पाते, नहीं जान पाए, नहीं जान पाए तो सांस का ही काम करें। सांस का भी तो मन से बड़ा गहरा संबंध है, शुद्ध सांस को देखते चले जाएं, उसको भी नहीं देख पाते, बड़ी उथल पुथल है भीतर, तो सांस को जरा सा तेज कर लें। संवेदना को तो हम चाहें तो भी तेज नहीं कर सकते, अपने स्वभाव से न जाने कहां क्या संवेदना होगी, कैसी होगी, लेकिन सांस को तो हम प्रयत्न पूर्वक तेज कर सकते हैं। जरा प्रयत्न पूर्वक सांस लेना शुरू कर दिया, विचार भी उठ रहे हैं, तूफान भी उठ रहे हैं, सब भीतर ही भीतर जंजाल चढ़ रहे हैं, फिर भी हम सांस को जाने जा रहे हैं, सांस को जाने जा रहे हैं। सांस को भी जानते हैं, तूफान भी उठता है, सांस को भी जानते हैं, तूफान भी उठता है। सफाई का काम चल रहा है, मत घबराएं, इस बात से मत घबराएं कि हमारे मन में ये विचार क्यों उठ रहे हैं, पहले विचार शांत होंगे उसके बाद सफाई होगी, बिल्कुल ऐसा नहीं। अगर सांस को साथ साथ जान रहे हैं या संवेदना को साथ साथ जान रहे हैं और उनके प्रति समता का भाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देरी क्षमता रहती है, बाकी समय हम उसी तरह प्रतिक्रिया करते हैं, तो भी कुछ नहीं खोया, लाभ हुआ, लाभ हुआ। धर्म का रास्ता ऐसा है कि इस रास्ते पर जरा सा भी परिश्रम करे तो निष्फल नहीं जाता, हर परिश्रम फल देगा। जरा सा भी परिश्रम करें तो फल मिलेगा ही, अच्छा फल मिलेगा ही, व्यर्थ जाता नहीं, निरर्थक कुछ होता नहीं। तो उत्साह के साथ, उमंग के साथ काम करते रहना चाहिए। और एक कठिनाई आती है, धर्म के रास्ते जब लोग चलना शुरू कर देते हैं तो बार बार दीवारें आती हैं सामने, बार बार जी घबराता है कि भाई रास्ता तो अच्छा है, सचमुच इससे कल्याण होने वाला है, और सचमुच देखो अमुक अमुक का कल्याण हुआ भी, हो भी रहा है, पर भाई मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। यूं आदमी अपने भीतर एक कायरता का भाव, एक हीन भाव पैदा करने लगता है तो सचमुच आगे नहीं बढ़ पाए। मन में ये उत्साह बना रहे कि जो प्रयत्न करता है वो सफल होगा ही, देर सबेर सफल होगा, मुझको प्रयत्न करना ही है, ये दृढ़ता। और ये दृढ़ता क्यों नहीं आती, इसके तीन मोटे मोटे कारण जो पुराने समय से चले आ रहे हैं, आज भी हम देखते हैं, अनेक साधकों का अनुभव हमारे सामने है। ये तीन मोटे मोटे कारण, एक बहुत बड़ा कारण धर्म के शिविर में आए तो भी, ना आए तो भी, ये बात तो खूब सुनी है कि शील सदाचार का पालन करना चाहिए। अच्छी बात है, शील सदाचार का पालन करना ही चाहिए, इसमें दो मत कैसे हो सकते हैं। लेकिन कठिनाई कहाँ आती है,
कि जब इसी शील सदाचार को इतना खेंचे एक अति तक ले जाए, ऐसे अंत तक ले जाए, और फिर ये समझ ले कि बस अब तो मुक्त हो ही जाऊंगा। मेरा शील देखो कितना अतियों वाला शील, उसको देखो कैसा गया गुजरा, उसका शील ऐसे अति वाला शील रही, मेरा शील कैसे अति वाला। ऐसे ही कोई आदमी कोई व्रत करता है, अच्छी बात है, व्रत करना कोई बुरी बात नहीं है, व्रत करता है, कोई उपवास करता है, और फिर उसे खींचता है, देख मैं ऐसा व्रत करने वाला, ऐसा उपवास करने वाला, मेरे जैसा धर्मवान कौन होगा, बस बाकी सब गए गुजरे, मैं सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे धर्मवान। इसको उन दिनों की भाषा में कहा शील व्रत परामर्श, यानी शील और व्रतों के प्रति आसक्ति पैदा कर लेना, ये मान करके अपने को संतुष्ट कर लेना कि शील और व्रतों से ही मैं मुक्त हो जाऊंगा। झूठ है, शील बहुत आवश्यक है, पर केवल शील हमें मुक्त कर दे असंभव बात है। इसकी इतनी बड़ी हमारी ओर भी बड़ी, और तट के किनारे लिए बैठे इस नौका को पानी में उतारते नहीं, तो भाई ये शील क्या काम आया रे। अच्छी से अच्छी बात भी अगर समझदारी से नहीं की गई तो बाधक बन जाएगी। समझदारी से करने का मतलब ये कि जिस काम का जितना उपयोग है उसका उतना ही उपयोग, उसके आगे जो कदम उठाने हैं वो उठ रहे हैं कि नहीं उठ रहे। धर्म का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, सारा का सारा धर्म एक साथ बढ़ता चला जाए तो मुक्त हो जाएंगे। कोई बच्चा जन्मे और कुछ ऐसा संयोग हो गया कि उसका एक पांव बढ़ता गया, बाकी शरीर वैसा का वैसा रहा, खूब बढ़ गया एक पांव, तो उस बच्चे को क्या कहेंगे, रोगी कहेंगे ना, उसका शरीर रोगी शरीर, नहीं बढ़ता, केवल एक पांव बढ़ा। अरे जो पांव बढ़ा वो भी रोगी, कि उसने सर्वांगीण विकास नहीं किया, अकेला पांव ही बढ़ता चला गया, किसी काम का नहीं वो। ऐसे ही धर्म का केवल एक अंग बढ़ाते चले गए, उसे खींचते चले गए, दूसरे अंगों को विकास करने का मौका ही नहीं दिया, तो रोगी हो जाएंगे। काम शुरू करने के लिए शिविर में आते हैं तो कहते हैं 10 दिनों तक शील का कड़ाई से पालन करो, नहीं तो समाधि का काम नहीं कर पाओगे, समाधि का काम ठीक से नहीं कर पाओगे तो प्रज्ञा नहीं जगा पाओगे। ये सारा तो आरंभ करने के लिए समझने की बात, लेकिन जैसे ही फिर आए घर में तो शील समाधि प्रज्ञा तीनों एक साथ विकसित होते जाएं। ये कठिनाई आती है, पहले के भारत में भी ऐसी कठिनाइयां थी, लोगों के मन पर ऐसी छाप पड़ी कि हम अमुक शील में से भी किसी एक शील को पकड़ लेंगे और उसे खींच के ले जाएंगे, कितनी दूर खींच के ले जाएंगे, बस हमारा क्या कहना, हम तो इतना शील पालन करने वाले, ऐसे ही कोई व्रत करेंगे, कोई उपवास करेंगे, खींच के ले जाएंगे, अरे हमारा क्या कहना, हम तो इतना व्रत करने वाले। ये बात पुराने भारत में भी थी और देखते हैं आज भी है, तो उससे बचो भाई, अच्छा है शील पालन करो, किसी को व्रत करना है उपवास करना है करो, उसका विरोध नहीं, लेकिन साथ साथ समाधि को मत भूल जाओ, साथ साथ प्रज्ञा जगाने वाले काम को मत भूल जाओ, अन्यथा अंतर मन की गहराइयों तक धर्म में पुष्ट नहीं हो सकते, अपने इस अंतर मन के स्वभाव को, बिगड़े हुए स्वभाव को नहीं बदल सकते। ये एक कठिनाई आती है, और एक कठिनाई आती है पुराने भारत में भी आती थी और आज भी हम देखते हैं आती है, ये जो दार्शनिक मान्यताएं हैं, दृष्टि राग है, अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता के प्रति इतना गहरा राग, इतनी गहरी आसक्ति, मेरी जो दार्शनिक मान्यता है बस वही ठीक है, वही सम्यक दर्शन है, बाकी सब की गलत। अरे तेरी मान्यता ही है ना, जान्यता तो नहीं ना, तूने जाना नहीं ना, केवल मान रहा है ना, जो बात तूने जानी नहीं, किसी अन्य ने कहा और तूने मान लिया, कोई पुस्तक कहती है और तूने मान लिया, तूने तो कुछ नहीं जाना और इतना गहरा चिपका उसके प्रति पैदा कर लिया, तो आगे बढ़ नहीं पाएगा धर्म में। और जितने बंधन हैं, राग का बंधन है वो प्रयत्न करने पर टूट जाता है, द्वेष का बंधन है प्रयत्न करने पर टूट जाता है,
लेकिन दृष्टि का बंधन है, दार्शनिक मान्यताओं का बंधन है, उसको तोड़ने का प्रयत्न ही नहीं करते। उसे तो समझते हैं कि ये हमारा अलंकार है, आभूषण है, बड़ा प्रसन्न होता है उसे धारण करके। मैं ऐसी दार्शनिक दृष्टि रखने वाला, मैं ऐसी दार्शनिक मान्यता करने वाला, अरे मेरा क्या कहना, मेरा क्या कहना, बस समझो दीवारें खड़ी हो गई। और दार्शनिक मान्यता एक होती है, अरे कितनी दार्शनिक मान्यता ही मान्यता। इस शरीर के भीतर एक आत्मा है, अब हमारी मान्यता है आत्मा है, किसी की मान्यता है आत्मा नहीं है। जिसकी मान्यता है आत्मा है, कभी आत्मा को देखा होगा नहीं, कभी नहीं अनुभव किया कि आत्मा है, पर मानता है आत्मा है, अब चिपक गया उसके साथ। और जिस जो कहता है आत्मा नहीं है, उसने कभी खोज नहीं की, अपने भीतर एक एक अणु परमाणु को अलग कर करके खोज ले भी और कहे भाई हमने देख लिया भीतर कुछ नहीं है, तो भी माने कि इसने कुछ जान लिया भाई, कुछ नहीं करता, लेकिन फिर भी कहता आत्मा नहीं है और चिपक गया उसे। और जो कहता है आत्मा है, अब उसके तमाशे देखो, जो है कहता है वो भी, एक कहता है जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा है, अब दूसरा कोई कहे कि ऐसा नहीं और तरह की आत्मा है, तो लड़ेगा उससे सारे जीवन भर, अरे नहीं जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। दूसरा कहेगा हम भी आत्मा को मानने वाले हैं, पर अंगुष्ठ प्रमाण आत्मा, अंगूठे के जितनी बड़ी, हृदय की गुफा में अंगूठे के जितनी बड़ी आत्मा, ये जो नहीं मानता वो पागल, उसके सब मिथ्या दृष्टि, इसको जो मानता है उसके सम्यक दृष्टि। फिर एक कहता है अरे नहीं नहीं अंगूठे जैसी नहीं, तिल के जैसी, जो तिल के जैसी मानता है उसका सम्यक दर्शन, बाकी सबका मिथ्या दर्शन। एक कहता है अरे तिल के जैसे भी नहीं, बाल के जैसे, जो बाल के जैसे मानता है वो सम्यक दृष्टि, बाकी सब मिथ्या दृष्टि। न बाल वाले ने बाल जैसी आत्मा देखी, न तिल वाले ने तिल जैसी आत्मा देखी, न अंगूठे वाले ने अंगूठी जैसी आत्मा देखी, न शरीर के माप वाले ने शरीर के माप वाली आत्मा देखी और चिपकी हुई, और जो नहीं मानता उसने नहीं मानना नहीं देखा और चिपका हुआ। ऐसे ही परमात्मा है, अरे परमात्मा है, एक कहता है परमात्मा है सारी संसार को बनाने वाला, पालने वाला, नष्ट करने वाला, एक परमात्मा है। दूसरा कहता नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, हम है बोलने वाला उसके साथ चिपका हुआ, नहीं है बोलने वाला इस बात के साथ चिपका हुआ, दोनों नहीं, कोई अनुभव नहीं किया, कोई अनुभव नहीं। और जो है कहते हैं उसका भी तमाशा, कैसा है, दो हाथ वाला है, नहीं चार हाथ वाला है, नहीं सो हाथ वाला है, काले रंग वाला है, नहीं गोरे रंग वाला है, ऐसे नाक नक्शे वाला है, नहीं ऐसे नाक नक्शे वाला है, अरे नहीं उसका कोई नाक नक्शा नहीं, वो तो निर्गुण है, वो तो निराकार है, लड़े जा रहे हैं, सब आपस में लड़े जा रहे हैं, किसी ने जाना वाना नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की, मान रहे हैं, केवल मान रहे हैं। जहां ये मानना चलता है वहां बंधन ही बंधन है, विपश्यना में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसको एक और रखे, अभी हम उस लायक नहीं हुए, मान लो एक साधक समझता है कि अभी मैं इस लायक नहीं हुआ कि इस बात को सही मानूं या उस बात को सही मानूं, क्योंकि जान नहीं पाया, तो अच्छा भाई इसे एक और रखें। अगर अपने भीतर सचमुच कोई अलग थलग आत्मा है, अगर सचमुच है, तो भी तो उस बेचारी आत्मा का कल्याण ही होगा ना, हम कर क्या रहे हैं, हम तो राग दूर करने का काम कर रहे हैं ना, द्वेष दूर करने का काम कर रहे हैं ना, अपने बंधन खोलने का काम कर रहे हैं ना, मन को निर्ग्रंथ बनाने का काम कर रहे हैं ना, निर्लिप्त बनाने का काम कर रहे हैं ना। अगर कोई आत्मा है भी तो कल्याण ही होगा उसका, अच्छी बात रहे, हमारा क्या बिगाड़ती है। और नहीं है तो काहे बोझ अपने सिर पर उठाए फिरे, जो नहीं है तो नहीं है, फिर भी हमको अपने मन को तो वितराग करना ही है, विद्वेष करना ही है, विकार निकालने ही है, गांठ खोलनी, बस इतनी बात जिसके समझ में आ गई तो झगड़े में नहीं पड़ेगा भाई, हमको क्या लेना देना, है तो भी अच्छी बात, न है तो भी अच्छी बात, हमको तो हमारे मन के इस गंदे स्वभाव को पलटना है, राग रंजित रहने वाले स्वभाव को वीतराग वाला स्वभाव बनाना है, द्वेष दूषित रहने वाले स्वभाव को द्वेष मुक्त वाला स्वभाव बनाना है, और ये काम हम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर सारे संसार को बनाने वाला कोई ईश्वर है तो बड़ी अच्छी बात, खुश ही होगा ना, जब वो देखेगा कि ये मेरी संतान, ये मेरी प्रजा मेरे बनाए हुए नियमों के अनुसार
अपने चित्त को निर्मल करने का काम कर रही है, मन को मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा से भरने का काम कर रही है, तो कौन बाप होगा जो अपने बेटे को अपनी बेटी को अच्छे रास्ते चलते हुए देख कर ये खुश नहीं होगा? बड़ा खुश होगा, अच्छा ही कर रहे हैं ना। और नहीं है तो काय उसका बोझ उठाए फिर अपने सिर पर, नहीं है तो नहीं है। अरे है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा है तो ऐसा है, वैसा है तो वैसा है। हमारे इस काम में उसका क्या लेना देना रे? हम तो राग को दूर करने का अभ्यास कर रहे हैं, द्वेष को दूर करने का अभ्यास कर रहे हैं। ये बात जो आदमी जितनी जल्दी समझ जाता है और फिर समझ करके इसी काम में लग जाता है कि एके साधे सब सधे, ये साध लिया अगर मैंने, चित्त को राग विहीन करने का काम मैंने साध लिया, चित्त को द्वेष विहीन करने का काम साध लिया, तो ये दार्शनिक मान्यता सत्य हो चाहे वो दार्शनिक मान्यता सत्य हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कल्याण निश्चित रूप से होगा। एक ही बात साधनी है कि मेरे मानस का राग मेरे मानस का द्वेष कम हो रहा है कि नहीं, और जो कम हो रहा है वो भी केवल बुद्धि के स्तर पर तो कम नहीं, अंतर्मन की गहराइयों तक कम हो रहा है कि नहीं। अंतर्मन की गहराइयाँ शरीर के संवेदना से मापी जाती है, क्योंकि अंतर्मन हमेशा शरीर के संवेदना से जुड़ा रहता है, जैसे अभी अभी समझा। तो अंतर्मन की गहराइयों का मानस राग के द्वेष के बंधनों से मुक्त हो रहा है, यानी संवेदनाओं को महसूस करते हुए भी हम राग नहीं पैदा कर रहे, हम द्वेष नहीं पैदा कर रहे, तो अंतर्मन की गहराइयों तक हम समता में स्थापित हो रहे हैं, सामायिक में स्थापित हो रहे हैं, बस और बाकी मान्यता चाहे तो हो। तो ये दूसरी बड़ी दीवार है जो साधक को आगे नहीं बढ़ने देती, और इसी दीवार को लेकर एक और दीवार खड़ी होती है, शील व्रत परामर्श एक दीवार है जो आगे नहीं बढ़ने देती। इसी तरह से दर्शन की मान्यता, भिन्न भिन्न दार्शनिक मान्यताओं का चिपकाव एक दीवार है जो आगे नहीं बढ़ने देती। इसी तरह एक और दीवार है विचिकित्सा, संदेह होता है, अरे ये क्या करने लगे, ये तो हमारी मान्यता के मुताबिक नहीं ना, ये तो हमारे धर्म के मुताबिक नहीं ना, ये हमारा धर्म ये तुम्हारा धर्म, अरे धर्म हमारा और तुम्हारा कैसे हुआ भाई? राग से मुक्ति पाना सबका धर्म, सबके लिए कल्याणकारी, द्वेष से मुक्ति पाना सबका धर्म, सबके लिए कल्याणकारी। राग और द्वेष से मुक्ति नहीं पाए तो अमुक कर्मकांड मेरा धर्म, अमुक कर्मकांड उसका धर्म, अमुक मान्यता इसका धर्म, अमुक मान्यता मेरा धर्म, क्या मिलेगा उससे? जड़ें सुधारनी है ना, तो ये बात समझ में नहीं आए तो संदेह ही संदेह पैदा करेगा, शक ही शक पैदा करेगा और आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो हमेशा जांचता रहे अपने आप को, इन तीनों में से कोई दीवार तो आगे नहीं आ रही, कहीं कोई शील व्रत परामर्श मेरे सामने दीवार तो नहीं खड़ा कर रहा, कोई कर्मकांड मेरे सामने दीवार तो नहीं खड़ा कर रहा, इसी तरह से कोई दृष्टि की मान्यता, कोई परंपरागत दर्शन की मान्यता मेरे सामने दीवार तो नहीं पैदा कर रही, इसी तरह से ये जो मन में शंका संदेह आते हैं ये कोई दीवार तो नहीं पैदा कर रहे। जब जब शंका संदेह आए, अपने मार्गदर्शक से बार बार मिले, शिविरों में मिले, शिविर के बाहर भी मिले, अपनी शंकाएं दूर करें, तो देखेंगे ये तीन दुश्मन अलग होते जा रहे हैं, तो एकदम आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। मन को दृढ़ करके आगे बढ़ना है। एक बात जो और हमने अनेकों के अनुभव से जानी है वो ये है, बर्मा में रहते हुए भी देखा कि ये जो राग और द्वेष और मोह और विकार और पतन की ओर जाने का जो स्वभाव है, उसके लिए हमको बहुत सहारा मिलता है। चारों ओर का वातावरण, सारे हमारे संगी साथी जितने हैं उसी रास्ते जाने वाले हैं, तो उनसे बहुत बल मिलता है उसी रास्ते जाने को। उस रास्ते की विपरीत दिशा में जाना हो तो वैसे संगी साथी होने चाहिए, वैसे वातावरण होना चाहिए जो मिलता नहीं, तो इसके लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है कि कम से कम सप्ताह में तो एक बार विपश्यों की संगत में बैठेंगे, घंटे भर बैठ करके सामूहिक साधना करेंगे, किसी की कोई चर्चा सुनेंगे, किसी का कोई अनुभव सुनेंगे, कोई बात धर्म संबंधी साधना संबंधी सुनेंगे तो प्रेरणा जागेगी। अरे 7 दिनों तक तो यही रहा कि ऐसे ही संगी साथी मिले जो कि राज की ओर घसीटने वाले, द्वेष की ओर घसीटने वाले, सप्ताह में थोड़ी देर के लिए तो ऐसे संगी साथी मिले जो बेचारे प्रयत्न तो करते हैं राग के बाहर कैसे निकले, द्वेष के बाहर कैसे निकले, तो उनकी संगत कम से कम सप्ताह में एक बार तो हो, नहीं हुई एक सप्ताह तो 15 दिन में एक बार तो हो, नहीं हुई 15 दिन में तो महीने में एक बार तो हो,
एक शिविर ले लिया, उसके बाद भूल भाल गए, किसी से हमारा संपर्क ही नहीं, न हमारा साधना के शिविर से कोई सेंटर से कोई संपर्क, न साधकों से कोई संपर्क, तो भाई फिर तो छूट ही जाएंगे, न छोड़ ही देंगे ना फिर तो छोड़ना नहीं है तो संपर्क बनाए रखना चाहिए। नहीं समय निकाल सके 10 दिन के शिविर में आने का, बम्बई वालों के लिए तो बहुत कठिन बात नहीं है, 3 घंटे का रास्ता है। शनिश्चर को चले गए शाम को, रात वहीं सोए इगतपुरी में, दिन भर वहीं धर्म के वातावरण में रहे, रविवार की रात वहीं रहे, सुबह वहाँ से निकल आए, फिर अपने काम धंधे में लग गए। तो 1 दिन का जो वहाँ बल मिला धर्म का, अपनी बैटरी फिर चार्ज हो गई, 7 दिन के लिए हमारे पास बड़ा बल आ गया, 15 दिन के लिए बड़ा बल आ गया। तो कम से कम ये जो संगत का लाभ है, वातावरण का लाभ है, वो साधक को लेना चाहिए। तो कमजोर भी हो जाए तो अपने 10, 20, 50, 100 गुरु भाई गुरु बहनों के साथ बैठ करके जब ध्यान करेंगे तो उनमें से न जाने किसका ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है, किसकी तरंगे बहुत अच्छी जाग रही हैं, उससे हमारे भीतर प्रेरणा जागने लगेगी, हमारी भी तरंगे ठीक जागने लगेगी, हमारा कल्याण होने लगेगा। तो ऐसी समझदारी के साथ इसको बढ़ाना है। चाहते तो हम बहुत हैं, हमारी मंगल कामना बहुत है कि खूब पकें धर्म में, खूब पकें प्रज्ञा में, पर केवल हमारी मंगल कामना से भी काम नहीं होगा, केवल तुम्हारे चाहने से भी काम नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो ये पुरुषार्थ नहीं भूले, रोज रोज की सुबह शाम की बैठक नहीं भूले, सप्ताह में 1 बार भले थोड़े से ही गुरु भाई गुरु बहनों के साथ बैठना नहीं भूले। अभी जो ये घोषणा हुई हमें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि 3-4 जगह तो ऐसी निश्चित हो गई कि जहाँ पर लोग रोज साधना कर सकते हैं, रोज न कर सकें सप्ताह में 1 दिन कर सकते हैं, और ऐसे ही और भी स्थान निश्चित हो जाएं, तो बम्बई जैसी महानगरी 20-25 स्थान क्या बड़ी बात है, हो जाएं तो भले लोग 10 लोगों को लाभ हुआ, 20 को लाभ हुआ, इस सप्ताह इन 10 को हुआ, अगले सप्ताह और किसी को हुआ, यूँ होते 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 लोगों में पुष्ट होने लगेगा धर्म, लोगों में पुष्ट होने लगेगी प्रज्ञा, अपने प्रयत्नों से ही होगी। खूब प्रयत्न करें, खूब परिश्रम करें, खूब पुरुषार्थ करें, और सही माने में अपना मंगल साध लें, सही माने में अपना कल्याण साध लें, सही माने में अपनी स्वस्थ मुक्ति साध लें। जिन जिन के भीतर धर्म का बीज पड़ा है उन सब का धर्म विकसित हो, जिन जिन के भीतर प्रज्ञा जागी है उन सब की प्रज्ञा विकसित हो, पुष्ट हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवत सर्व मंगलं, भवत सर्व मंगलं, सर्वमंगलं।